हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल द ए1 स्टडी पर। तो आज हमारा टॉपिक है पीओके, नेहरू की गलतियाँ, अर्थात नेहरू की गलतियों के कारण पीओके बना, क्योंकि संसद के अंदर दिसंबर 2023 में माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा बयान दिया जब कांग्रेस द्वारा जम्मू कश्मीर बिल का विरोध किया गया। जम्मू कश्मीर बिल के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 में पीओके के विस्थापियों को विधानसभा में एक सीट देने का जिक्र था, जबकि कश्मीर प्रवासियों के लिए दो सीट देने का प्रावधान था। नेहरू की गलतियां गिनाते हुए धारा 370, 1947, 48 का युद्ध, यूएन में कश्मीर का मुद्दा, अनुच्छेद 51 और अनुच्छेद 35 का जिक्र किया। लेकिन इनको जानने से पहले आइए इतिहास जानते हैं। 1947 में पाकिस्तान ने भारत पर जम्मू कश्मीर के रास्ते अटैक कर दिया, जिसमें नेहरू ने सेना भेजने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि पहले हरि सिंह कश्मीर विलय पर साइन करें, लेकिन 26 अक्टूबर 1947 को साइन कर दिया जाता है। फिर नेहरू द्वारा जम्मू कश्मीर में सेना भेज दी जाती है, लेकिन जब तक पाकिस्तान ने श्रीनगर तक कब्जा कर लिया था, अर्थात वह श्रीनगर तक पहुंच चुकी थी। एक साल तक चले युद्ध के बाद जब भारत जीत रहा था, नेहरू ने सीज फायर कर दिया और पाकिस्तान तब तक कश्मीर का एक तिहाई हिस्सा हड़प चुका था, जिसको आज पीओके के नाम से जानते हैं। फिर नेहरू कश्मीर का मुद्दा लेकर यूएनओ चले जाते हैं। यूएनओ में नेहरू अनुच्छेद 51 के स्थान पर अनुच्छेद 35 का जिक्र करते हैं, जो कि नेहरू की गलती थी, क्योंकि अनुच्छेद 51 के अंतर्गत पीओके भारत का हिस्सा माना जाता, कश्मीर का हिस्सा माना जाता और पाकिस्तान ने उसको कब्जाया है ऐसा माना जाता। लेकिन अनुच्छेद 35 के अंतर्गत वह एक विवादित क्षेत्र बन गया। इस बात का जिक्र खुद नेहरू ने इन गलतियों को संसद में 28 मार्च 1951 को स्वीकार किया था। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।